आज मैं आपके लिए रोहू मास से एकदम समर स्पेशल फिश करी की रेसिपी लाई हूँ। एकदम यूनिक तरीके से बनाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी। ना ही इसमें ज़्यादा मसालों की झंझट है और ना ही ज़्यादा समय की कुकिंग की झंझट। बहुत ही टेस्टी बनती है, गर्मा गर्म चावल के लिए तो ये एकदम मस्त रेसिपी है। जो फिश लवर है ना, इसको एक बार अगर खा लेंगे ना, उनको तो बहुत ही पसंद आने वाली है, बहुत ही टेस्टी बनती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुस्मिता आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी चैनल में, जिसका नाम है मेरी लाइफ मेरी वर्ल्ड। इस तरह की रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने लिया है रोहू मछ, जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। ये 300 ग्राम मछली है। इसमें हल्दी नमक डाल के इसे हमें मैरिनेट कर लेना है। यहाँ पर आप कोई भी पीसेस यूज़ कर सकते हैं फिश का। तो यहाँ पर देखिए, ये मैरिनेट हो गया, इसे 10 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, इसका मसाला बनाते हैं। यहाँ पर ब्लेंडर जार में 2 सूखी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, साथ ही 1 बड़ा चम्मच सरसों, छोटा चम्मच जीरा, साथ ही 7 से 8 कलियाँ लहसुन और दही आधा कप। यहाँ पर देखिए, इसे मैंने एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया, इसे अभी हम छान लेंगे। छानने से क्या होता है ना, जो मस्टर्ड का जो छिलका होता है वो निकल जाता है और अपना जो हमने पेस्ट बनाया ना, वो एकदम स्मूथ हो जाता है और ये मस्टर्ड का छिलका पेट के लिए अच्छा नहीं होता। अभी चलिए करी स्टार्ट करते हैं। पैन में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल, इसमें ऐड करेंगे अपना जो मैरिनेटेड फिश है ना, उसको अभी डाल देंगे। 1 सेकेंड के लिए इसको एक तरफ से फ्राई करेंगे और फिर से हम पलट लेंगे। यहाँ पर हमें मछली को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मछली एकदम सॉफ्ट ही रहता है इस करी में और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये मछली को यहाँ पर एकदम पलट लिया है, इसके बीच में एक जगह कर लेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कलौंजी। कलौंजी यहाँ पर फूट चुकी है, इसमें अभी डाल देंगे अपना मसाला पेस्ट, साथ ही डाल देंगे उसी क्वांटिटी में पानी, जिससे कि हमारी मछली जो है पक सके। क्योंकि यहाँ पर मछली तो कच्चा है, इसमें थोड़ा सा हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पर याद रखिए, हमने फिश को मैरिनेट करते वक्त भी हल्दी और नमक डाला था, उसी हिसाब से ही डालिए। इसे अभी ढक लेंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए, मछली यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो चुका है। यहाँ पर टमाटर और थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल देंगे, इसे अभी और 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर देखिए, हमारी फिश करी एकदम रेडी है, एकदम जो फिश है ना एकदम पक चुकी है और बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और इसे हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म चावल के साथ। एक बार इस फिश करी को बना के देखिए, सबका फेवरेट हो जाएगा। और कैसा लगा रेसिपी मुझे कॉमेंट के द्वारा ज़रूर से बताइएगा।